रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। परम की माँ सरिता परम को रोकते हुए बोलती है, परम तू कहीं नहीं जाएगा, मैंने लड़की वालों को घर बुलाया है, वो लोग आने वाले हैं, तो तू मेरे लिए बहू नहीं ला रहा है, लेकिन अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगी और तेरी शादी करवा कर ही मानूंगी। माँ आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे भी शादी नहीं करनी है, पहले मैं कुछ अच्छा सा काम देख लूँ। आप तो अभी से मेरे को शादी करवा के जिम्मेदारियाँ देना चाहते हो, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। ऐसे कैसे नहीं होगी, अरे तेरी उम्र में तो मैं माँ भी बन गई थी और तू है कि शादी के लिए मना कर रहा है, अब क्या तेरी हाँ के लिए बैठी रहूँ और जब तू हाँ करे तब लड़की देखना शुरू करूँ। और नहीं तो क्या माँ, अब आप ही बताओ, ना तो मैं कोई काम करता हूँ, ना मेरे हाथ में पैसे हैं, अब आप मेरी शादी करवा दोगी तो मैं अपनी पत्नी को ऐसे ही थोड़ी घर में ले आऊंगा, कम से कम मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने दो, मैं अच्छा सा काम वाम कर लूँ उसके बाद आप मेरी शादी करवा देना। अगर तेरी शादी हो जाती तो तू अच्छा सा काम भी कर लेता, घर में लक्ष्मी को लाएगा, तभी तो तेरी जेब में भी लक्ष्मी होगी। और अब ना तू ज्यादा बहाने मत बना, जो मैं बोल रही हूँ वो कर बस। माँ तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गई है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना अगर माँ ने मेरी सच में शादी करवा दी तब तो मैं पागल ही हो जाऊंगा, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। तू मेरी बात सुन भी रहा है या एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल रहा है, आज लड़की वाले आने वाले हैं, इसीलिए तू कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, और अब कोई बहाना मत बना दियो। माँ ठीक है, मैं आपकी बात मान गया हूँ, अब लड़की वाले आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ खाना पीना भी तो लाना पड़ेगा ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ और मैं कुछ अच्छा सा बढ़िया सा लेकर आता हूँ, साथ साथ मिठाई भी ले आऊंगा। परम सरिता को इतना बोलकर चला जाता है और कुछ देर बाद परम अपने दोस्त विजय के साथ घर आता है। परम के सर पर पट्टी लगी होती है, परम के सर पर पट्टी देखकर सरिता बोलती है, बेटा ये तेरे सर पर चोट कैसे लग गई? क्या हुआ तुझे, तू तो मिठाई लेने गया था। चलो अब चोट के बहाने ही सही, कुछ दिनों के लिए ना शादी की बात भी बंद हो जाएगी। आंटी वो परम रोड क्रॉस कर रहा था तो अचानक से उसे चक्कर आ गए और वो गिर गया, तभी उसे चोट लग गई, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। देखा इसके जीवन में पक्का शनि का दोष चल रहा है, तभी तो इसके बनते काम बिगड़ रहे हैं। अब तो मैं शादी जल्दी से जल्दी करवा दूंगी, पत्नी आएगी, साथ हो जाएगा दुख सुख में। आइला माँ मैं खिलौने के साथ खेल लूँ। ये पागल की तरह क्यों बोल रहा है, तू ठीक है ना परम? वो आंटी डॉक्टर ने बोला था इसके सर पर गहरी चोट लगी है, इसलिए इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। अच्छा आंटी मैं इसे कमरे में छोड़ देता हूँ और आप ज्यादा परेशान मत होना। विजय परम को लेकर कमरे में जाता है, कमरे में जाने के बाद परम विजय को बता देता है कि वो बस पागल होने का नाटक कर रहा है। थोड़ी देर बाद विजय वहाँ से चला जाता है, परम का ये नाटक काम तो आता है और उसकी शादी की भी बात कुछ दिनों तक रुक जाती है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रुक पाती। कुछ दिनों बाद सरिता परम के साथ गरिमा नाम की लड़की के घर जाती है, वहाँ गरिमा अपनी माँ ललिता के साथ रहती थी। ललिता सरिता और परम का स्वागत करती है और दोनों बात करने लगती हैं। तभी ललिता बोलती है, बहन जी आपने तो मुझे बता दिया अपने बेटे की मानसिक हालत के बारे में, लेकिन मैं अभी आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। मेरी बेटी को भूलने की बीमारी है, वो भी कभी कभी भूल जाती है बहुत कुछ। बहन जी दोनों बच्चों में कोई कमी नहीं है, और जब आपको मेरे बेटे से कोई परेशानी नहीं है तो हमें क्या दिक्कत होगी, मुझे तो आपकी बेटी गरिमा बहुत पसंद है। मैंने तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, पागल बनने का नाटक कर रहा था। माँ अगर मेरी सर में लगी हुई चोट की बात मान जाती तो मुझे पागल बनने का नाटक नहीं करना पड़ता। मुझे लगा माँ के सर से शादी का भूत उतर जाएगा, लेकिन अब तो एक भुलक्कड़ लड़की से मेरी शादी करवा रही है। चलो ये तो अच्छी बात है, आपको कोई एतराज नहीं है और आप अपने बेटे का इतने अच्छे से ध्यान रखते हो, तो मेरी बेटी को भी अच्छे से संभाल ही लोगी, बस इसे बार बार याद दिलाना पड़ता है। आप बस निश्चिंत रहिए, मैं तो खुश हूँ, इतने समय से मैंने अपने बेटे के लिए लड़की देखना चाहती थी, लेकिन ये कुछ सुनता ही नहीं था, लेकिन जब इसके सर पर चोट लगी तो बेचारा मानसिक संतुलन खो बैठा। शादी हो जाएगी, ध्यान रखने वाली आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, दोनों बच्चे साथ में खुश रहेंगे। परम इससे पहले कुछ बोलता सरिता रिश्ते की बात करके वहाँ से जाने लगती है। सरिता तो बहुत खुश थी, यहाँ ललिता भी अपनी बेटी गरिमा को सब समझा देती है। गरिमा सब समझ तो जाती है, लेकिन उसके भूलने की आदत तो रहती ही है। और कुछ ही दिनों में सरिता दोनों की शादी भी करवा देती है। शादी के बाद गरिमा बहू बनकर घर आती है।
और फिर भूल जाती है और अपने सास और पति से कहती है, भाई आप मम्मी को समझा दो, मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ तो अब मुझे शॉपिंग करने के लिए और अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए पैसे दे, ये नहीं कि ये शादी के जोड़े में मेरी शादी कर दें। माँ देखो ना, आप तो बोल रहे थे ना मेरी शादी होगी, मेरी बीबी आएगी, लेकिन क्या ये मेरी बहन आ गई है? मेरी बीबी कहाँ है, उसे बुलाओ ना, मुझे उससे मिलना है, बुलाओ उसे अभी। हे भगवान, मैंने कहीं ये भुलक्कड़ और पागल की शादी करवा कर कुछ गलत तो नहीं किया ना? माँ दो ना जल्दी से पैसे, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे पार्टी के लिए जाना है, देर हो रही है। अरे चुप कर नलायक, मैं तेरी माँ नहीं सास हूँ और तेरी शादी हो चुकी है, और ये जो खड़ा है ना ये तेरा भाई नहीं पति है, अपने पति को मत भूल, ठीक है ना? अब तो याद आया ना? ओह माँ जी, वो क्या है ना, मैं मिनट से पहले भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे कोई याद दिलाता है तो तुरंत याद भी आ जाता है। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दो। मम्मी आप मेरे साथ खेलने चलो, मेरा मन नहीं लगता अकेले खेलने में, मैं ना आपके साथ ही खेलूंगा। और हाँ, आज तो आपने बोला था आप मेरे लिए केक लाओगी, मैंने आपकी बात मानी थी, इसलिए आप मेरी बहन को भी थोड़ा सा केक दे देना, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपनी बहन के लिए। हाँ लेकिन थोड़ा सा ही देना। और तू भी सुन, ये कोई तेरी बहन नहीं है, तेरी बीबी है, ये पागल बेटा और भुलक्कड़ बहू दोनों मिलकर पक्का मुझे ही पागल कर देंगे। भगवान जी अब तू ही संभाल लेना बस। और बन जा पागल, अब तो पता नहीं कब तक ये पागल बनने का नाटक करना पड़ेगा। इस पागलपन के नाटक के चक्कर में पहले शादी हो गई, उसके बाद अब बीबी को बहन भी बोलना पड़ रहा है, जो नहीं होना चाहिए था अब तो वो भी हो रहा था। कई दिनों तक ऐसे ही भुलक्कड़ बहू और पागल पति के रोज कोई ना कोई कारनामे चलते रहते हैं। कुछ दिनों बाद परम अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी सारी बातें गरिमा सुन लेती है और वो कमरे में आकर बोलती है, आप पागल नहीं हो, आप बस पागल बनने का नाटक कर रहे हो, आपने अब तक हम सबको धोखे में रखा, लेकिन अब बहुत हो गया, मैं माँ जी को सब बता दूंगी। नहीं मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गरिमा परम की बात को बिना सुने ही सरिता के पास चली जाती है। गरिमा सब बता ही रही होती है कि तब तक परम बोलता है, गरिमा प्लीज तुम माँ को मत बताओ कि मैं पागल बनने का नाटक कर रहा था। माँ जी आप अपने बेटे को समझा दो, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई, इन्हें समझाना क्या था? बहू तू रहने दे, मुझे पता चल गया है कि तेरे पागल पति को क्या समझाना है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आप मेरी शादी से मना कर दो, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे एक झूठ के छुपाने के लिए इतने सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। तुझे शर्म नहीं आई? मैं तेरी शादी तेरे भले के लिए कर रही थी और तेरी किस्मत में उस समय ही शादी लिखी थी, इसीलिए तेरी कोशिशों के बावजूद भी आखिरकार शादी हो ही गई। हाँ परम जी, इसलिए मैं आपको भी बोलती हूँ, आप रसोई में खाना बनाने मत जाया करो, अब देखो जल गया ना हाथ। बहू तू चुप रह, यहाँ मैं क्या बातें कर रही हूँ, और तू सब भूल गई। और परम तू गरिमा की इस परेशानी से उसे कितनी बार शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन वो इसका कुछ नहीं कर सकती, और तू तो अच्छा खासा होकर भी पागल बनने का नाटक कर रहा था। हाँ माँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, तभी मेरे इतने कुछ करने के बाद भी मेरी किस्मत में आपकी भुलक्कड़ बहू आई। परम को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी भी मांगता है। परम का पागलपन तो ठीक हो जाता है, लेकिन गरिमा की भूलने की आदत अभी भी जारी रहती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।